हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, हमारे घर की ऐसी हालत हो गई है, और वो किस वजह से हुई है वो भी बताएंगे, क्योंकि मेरी हो गई है तबीयत ख़राब। कल रात से, कल मॉर्निंग से ही ना मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द, और मतलब ना वैसे फीवर टाइप का हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब कल रात में बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, दवा दवा ले रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ आराम नहीं है, और पेट में ना मतलब दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से घर में अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो कहते हैं ना कि एक दिन अगर अगर आप बीमार हो जाओगे तो घर की ऐसी की तैसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि क्या ही है, इस घर में कोई रहता भी है नहीं रहता है पता नहीं। ऐसा करके बच्चे को हम बहुत कुछ सिखाते हैं, बट बच्चे को भी टाइम होता है ना काम करने का, क्योंकि बच्चे करते हैं लेकिन जैसे आप करोगे वैसे बच्चे नहीं कर पाते हैं उतनी सफाई से, क्योंकि उनको ना पढ़ाई करना होता है। हम लेडीज़ को केवल घर का काम करना होता है तो हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, बट बच्चे को पढ़ाई भी करना होता है, फिर भी इतना कर दे वही बहुत है। और ये कुछ सामान कैंटीन से हम अभी स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली जाना है तो वहाँ के लिए भी सामान चाहिए और यहाँ के लिए भी। और कैंटीन में ना सामान आता है तुरंत ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी है तो सभी को लेके जाना होता है घर पे, और नॉर्मली हम लोग का यूज कहीं सामान रहता है तो घर के भी यूज चाहिए, और कहीं जा रहे हो तो वहाँ के लिए भी चाहिए आपको। तो ये ना हैंको मैं 2 ही केजी ली हूँ, क्योंकि 2 ही केजी था, और निरमा मैं 2 केजी ले ली हूँ, क्योंकि कभी वो भी काम आ जाता है, जैसे बर्तन वर्तन धुलने के लिए अगर साबुन ख़त्म हो गया तो निरमा का यूज कर सकते हो आप। और ये है चाट मसाला वगैरह, यही सामान सब मैं ना पति देव को मैं बोली कि मेरी हो गई है तबीयत खराब, आप अपना लेके आ जाओ सामान, तो वो कटवा के ला दिए हैं। और मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी, बट दवा भी खाई हूँ तो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, तो उठ के फिर साफ सफाई की हूँ, क्योंकि ना हम लेडी कितना भी बीमार हो ये इंतज़ार करते हैं कि कब थोड़ा नॉर्मल हो, ताकि ये घर के मतलब इतना ज़्यादा व्यस्त हो रखा है, इतना इधर उधर ना, मतलब मैं बिस्तर पे रहती हूँ, अगर घर पे जैसे मतलब कहीं से कोई सामान जहाँ ये जगह नहीं है वो चीज़ वहाँ पे रखा होता है ना, तो मैं ना अंदर से और ज़्यादा चिड़चिड़ापन और ज़्यादा होता है मुझे, कि ये ऐसे क्यों, बच्चों को क्या दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों है, बच्चों को ऐसे क्यों नहीं पता हो रहा है कि हाँ ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ये देखिए मनी प्लांट ना मेरा ना थोड़ा सा सूख रहा है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए इसमें पानी डालना, तो पानी मैं डाल दे रही हूँ इसमें, अभी पानी लेके इसमें डाल दूंगी, सही रहता है। अभी नया पत्ता भी दे रहा है ना, इसके पुराना पत्ता जो है सो सूख रहा है, नया पत्ता भी दे रहा है इसमें, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा पानी डाल देती हूँ, नहीं तो ये भी मनी प्लांट सूख जाएगा, है ना। तो हमें प्लांट लगाने से नहीं होता, उसका केयर भी करना होता है। तो अभी कल से तो बहुत ज़्यादा मैं बीमार थी, इस वजह से कुछ नहीं की। और बच्चे को मैं बोली कि मैगी बना लो, तो ये मैगी बना के और प्लेट व्लेट रख के वो चले गए हैं, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था पति देव का। और ये देखिए कल उत्कर्ष दही जमाया, पति देव बोले कि फौजी साहब बोले उसी को कि बेटा ऐसा करना कि दूध में दही जमन डाल के दही जमा ले, तो मतलब फर्स्ट टाइम ही उत्कर्ष ये किया है लेकिन बहुत अच्छा से जम गया है। और उसके बाद में मैं इसको फ्रिज में डाल देती हूँ। और ये देखिए मैं बिस्तर तो कर ली हूँ, और मेरा बेटा बोला है कि मम्मा आप रेस्ट करो मैं ना झाड़ू लगा देता हूँ, तो उत्सव ना कर देता है, उत्कर्ष भी करता है, ऐसा नहीं है। तो ये बिस्तर तो मैं करती हूँ, क्योंकि बिस्तर ना मैं खुद से करती हूँ तभी मुझे मतलब वो होता है, अदरवाइज नहीं, बच्चे कर लेते हैं फिर भी मैं सोची कि नहीं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे आराम मिला वैसे वैसे कर रही हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, उत्कर्ष को बोली हूँ कि बेटा दाल चढ़ा दे, क्योंकि ना मतलब बीच बीच में पेन बहुत तेज हो रहा है, इसकी वजह से ना मैं बोली कि चलो इस बार ना बच्चे को दाल बनाना तो कम से कम आ ही जाए। तो मैं बच्चे को नाप दी हूँ दाल कटोरी से, मैं बोली कि यहाँ पे इतने हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर सॉरी हल्दी पाउडर नमक डाल के पानी डाल दो। और ये दाल है अरहर का, मसूर का और मूंग का दाल है फ्रेंड। तो अभी बच्चे दाल बना लेंगे, और छोटा सा ही वीडियो है, प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा।